उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय यात्रा पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। बता दें कि वे प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर गंगोत्री धाम मंदिर परिसर पहुंचे। उन्होंने गंगोत्री धाम में राष्ट्र की एकता, अखंडता और शांति के लिए पूजा अर्चना की। करीब 37 मिनट गंगोत्री धाम में बिताने के बाद उपराष्ट्रपति हर्षिल स्थित आर्मी हेलीपैड के लिए प्रस्थान किए। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात कर गंगोत्री के इतिहास के बारे में भी जानकारी ली। वहीं इस कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ संग गंगा घाट पर गंगा पूजन अर्चन किया और घाट से सीधे मंदिर परिसर पहुंचकर मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। देखिए, हम पहले महामहिम जी का आगमन हुआ और सीधे हम लोग घाट पे गए हैं। तो घाट में जो जल धारा की पूजा अर्चना उन्होंने विधिवत उन्होंने आरती की और तदोपरांत उतने ही समय उन्होंने लेके वे वापस मंदिर समिति के जो मुख्य विशेष पूजा जो होती है वो माँ गंगा के चरण पादुका का अभिषेक किया जाता है। उसके अभिषेक में उन्होंने स्वयं कहा कि हम भारत माता को परम वैभवशाली बनाएं, हमारी यही कामना है, क्योंकि हम लोग संकल्प में कहते हैं ना कि अन्न कामना, धन कामना, पुत्र कामना, पौत्र कामना।